हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल फॉर्मूला बेस इनटू हाइट होता है बेस इनटू हाइट यहाँ पर बेस सेवन सेंटीमीटर है और हाइट फोर सेंटीमीटर है हम वैल्यू फुट कर देंगे सेवन इंटू फोर सेवन फोर जॉ ट्वेंटी ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर ए पार्ट का ये आंसर है बी पार्ट एरिया ऑफ एलोग बेस इंटू हाइट बेस यहाँ फाइव है और हाइट थ्री सेंटीमीटर है फाइव मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल फाइव थ्री जो फिफ्टीन फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर अब सी पार्ट एरिया ऑफ पेलोग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट बेस की बेना है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और हाइट है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर टू पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ गई एट सेवन फाइव यहाँ पे हम देख रहे हैं टू डिजिट के बाद पॉइंट है वन प्लेस टू प्लेस यहां टू प्लेस के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया बी का ये आंसर था डी पार्ट एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल जब हम ये बेस ले रहे हैं ये तो ये हाइट हो जाएगी एच और ये बेस हो जाएगा एरिया ऑफ पैलोग्राम फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट बेस की वैल्यू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और हाइट है 4.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइव एट से फोर्टी फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी और फोर ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ गई 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ए पार्ट एरिया ऑफ पेलोग्राम इज इक्वल बेस इंटू हाइट यहाँ पे बेस टू सेंटीमीटर हाइट फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे टू मल्टीप्लाई फोर पॉइंट फोर टू फोर जय एट टू फोर जय एट एक डिजिट के बाद पॉइंट है हम पॉइंट लगा देंगे एट पॉइंट एट सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैंगल्स यहाँ पर ट्रेंगल्स के बन है इनके एरिया निकालने हैं ए पार्ट ये भी फॉर्मूला बेस्ड है एरिया ऑफ ट्रैंगल सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इन हाइट ट्रेंगल का नाम लिखते हैं ए बी सी यहाँ डी इस क्वेश्चन में हम बी सी अगर बेस ले रहे हैं तो हाइट इसकी ए डी होगी यहाँ हाइट थ्री सेंटीमीटर है बेस फोर सेंटीमीटर है हा बेस फोर और हाइट है थ्री सेंटीमीटर अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे टू वन जो टू टू टू, टू जो फोर टू मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल थ्री टू जै सिक्स सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर ये आंसर हो गया बी पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल हाफ बेस इंटू हाइट बेस है फाइव सेंटीमीटर हाइट है थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर हाफ बेस फाइव सेंटीमीटर हाइट थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर इसको सिंपलीफाई कर लेंगे टू वन जै टू टू से कैंसिल हो जाएंगे वन पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट सिक्स सिक्सटीन एक प्लेस के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख देंगे एट सेंटीमीटर स्क्वायर पॉइंट के बाद जीरो लिखना जरूरी नहीं होता हम डायरेक्ट लिख देंगे एट सेंटीमीटर स्क्वायर सी पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इन टू हाइट ये राइट right ट्राइंगल है राइट right ट्राइंगल में एक बेस होता है और एक हाइट यहां बेस थ्री सेंटीमीटर है हाइट फोर सेंटीमीटर है ये नाइन्टी डिग्री का एंगल है हाफ बेस थ्री और हाइट फोर सेंटीमीटर सिंपलीफाई कर लेंगे टू वन जा टू 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 जै फोर थ्री मल्टीप्लाई टू इज इक्वल सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर डी पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट ये जो ट्राइंगल है ये ऑप्टिक ट्राइंगल है और इसके बिहाइंड ये पर्पेंडिकुलर लाइन है ये हाइट मानी जाएगी हाइट जो है वो टू सेंटीमीटर है और बेस है थ्री सेंटीमीटर हाफ बेस बेस यहां पर थ्री सेंटीमीटर है और हाइट है टू सेंटीमीटर टू से टू कैंसिल हो जाएंगे थ्री वन जर थ्री थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया सी का आंसर ये था सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ये टेबल दे रखी है ए पार्ट में हमें हाइट निकालनी है बी पार्ट में बेस निकालना है सी पार्ट में भी हमें बेस निकालना है और डी पार्ट में हाइट निकालनी है ए पार्ट यहाँ पे एरिया गिवन है पेरेलोग्राम का तो हम सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरलोग्राम इज इक्वल बेस इनटू हाइट हमें हाइट फाइंड करनी है तो हाइट हो जाएगा एरिया अपॉन बेस एरिया अपॉन बेस अगर बेस फाइंड करना है तो एरिया अपॉन हाइट बेस हमें फाइंड करना है तो एरिया अपॉन हाइट अब सॉल्व करते हैं ए पार्ट हमें हाइट फाइंड करनी है तो एच इक्वल एरिया की है टू फोर सिक्स टू फोर सिक्स अपॉन बेस गिवन है ट्वेंटी सेंटीमीटर हम ट्वेंटी से डिवाइड कर देंगे टू फोर सिक्स को ट्वेंटी से डिवाइड कर देंगे वैल्यू आ जाएगी ट्वेल्व पॉइंट थ्री सेंटीमीटर बी पार्ट बी में हमें बेस पूछा हुआ है एरिया पैलोग्राम अपॉन हाइट एरिया किवन है यहाँ पर वन फाइव फोर पॉइंट फाइव अपॉन फिफ्टीन अब हम डिवाइड कर लेंगे 154.5 15 फिफ्टी फोर बन जा फिफ्टीन इस टाइप से डिवाइड करना है फिर हम 4 लिख लेंगे 4 में ये नहीं जाएगा तो ना जाने का जीरो लगा देंगे बच्चे यहाँ अक्सर मिस्टेक करते हैं फिर पॉइंट है फिर पॉइंट लगा देंगे फिर फाइव डिजिट लिख लेंगे फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर सी पार्ट इसमें बेस फाइंड करना है बेस इक्वल एरिया ऑफ़ टू अपॉन हाइट की बेन है 48.72 और हाइट एट है 8.4 पहले पॉइंट हटाएंगे जब हम टू प्लेस ऊपर पॉइंट है तो टू प्लेस हम नीचे पॉइंट कर लेंगे यहां जीरो लगा देंगे अब इंट से पॉइंट हट जाएगा 4872 अपॉन 840 आप डिवाइड कर लेंगे 4872 ये फाइव बार चला जाएगा जीरो फाइव फोर जा ट्वेंटी टू कैरी फाइव एट जा फोर्टी फोर्टी और टू फोर्टी टू टू सेवन एट में से टू सेपरेट करेंगे तो सिक्स पॉइंट लगा देंगे जीरो अब ये एट से चला जाएगा जीरो एट फोर जा थर्टी टू थ्री एट एट से सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर और थ्री सिक्सटी सेवन तो वैल्यू आ जाएगी फाइव पॉइंट एट सेंटीमीटर डी पार्ट इसमें हाइट फाइंड करना है एरिया अपॉन वेस एरिया किन है सिक्सटीन पॉइंट थ्री एट हाइट कि है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स नोमिनेटर में देख रहे हैं कि टू प्लेस पॉइंट है और डिनोमिनेटर में वन प्लेस पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए इक्वल प्लेस करते हैं यहाँ पे जीरो लग जाएगा ये टू प्लेस हो गया और नोमिनेटर में भी टू प्लेस है और डिनोमिनेटर में भी टू प्लेस हो गया अब ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे 1638 अपॉन 1560 ये मैं इधर रफ कर रही हूं आप डिवाइड कर लेंगे तो ये वन बार चला जाएगा 1560 8 13 में से सिक्स सेवन आप पॉइंट लगाएंगे क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट लगा लेते हैं पॉइंट लगा के हम जीरो लिख लेंगे और डिवीज़न में फोर डिजिट का है यहाँ पे फिर देख रहे हैं फोर डिजिट है यहाँ पर थ्री डिजिट है तो अभी ये नहीं जाएगा तो न जाने का जीरो लगा देंगे यहाँ पे एक जीरो और लगा लेंगे फाइव टाइम्स जीरो फाइव जर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और थ्री ट्वेंटी एट टू कैरी फाइव वन जर फाइव फाइव और टू सेवन तो ये वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट जीरो फाइव सेंटीमीटर ये आंसर हो गया ये टेबल में आपको सॉल्व करके दिखाने है ये क्वेश्चन इस वीडियो में हमने सीखे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरलोग्राम इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे